हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पठान फिल्म का ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं जो कि 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है हिंदी, तमिल और तेलुगु में, और जिसके लिए हम सबको इंतजार था। शाहरुख खान के जैसे ही इस फिल्म में भी कैरेक्टर पठान काफी टाइम तक किसी को नहीं दिखाई दिए हैं क्योंकि वो अंडरकवर थे, और जैसे ही वापस आते हैं सब अफरा तफरी मच गई है फिल्म में भी और मीडिया में भी। ट्रेलर में दिखाया गया कि आउटफिट एक्स एक प्राइवेट टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लीड कर रहे हैं जॉन इब्राहिम, एंड उनका नेक्स्ट टारगेट है इंडिया। और जैसे ही हमारी एजेंसीज को पता चलता है, वो हैवी ड्यूटी अंडरकवर आर्मी ऑपरेटिव पठान को वनवास से वापस बुलाते हैं इस अटैक से इंडिया को बचाने के लिए। इस चीज से हमें ये भी लगता है कि ये फ्रेंचाइज फिल्म होने वाली है जिसमें अगली फिल्म में पठान अंडरकवर क्यों हुआ वो दर्शाया जाएगा। यशराज का स्पाई वर्ल्ड इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि यही सेम मिशन के लिए दीपिका पादुकोण को भी रिक्रूट किया गया है, वो भी अंडरकवर ऑपरेटिव हैं, और उन दोनों को हम टीम अप करते हुए देखेंगे, साथ में लड़ते हुए देखेंगे और रोमांस करते हुए भी देखेंगे। दोनों की जोड़ी हमेशा मैजिकल होती है, यादगार होती है, और फिर चाहे वो ओम शांति ओम हो या चेन्नई एक्सप्रेस हो। एक्शन सीन्स की बात करें तो वो बहुत ग्रैंड है, फैबुलस है। जमीन, हवा, स्नो, आइस, पानी, सब जगह हम एक्शन देखने वाले हैं, और बहुत ही बड़े स्केल पर सब कुछ हो रहा है। जॉन इब्राहिम चीजल्ड और परफेक्ट नो नॉनसेंस विलेन लग रहे हैं। काफी ग्रैंड मूवी होने वाली है, खास तौर से आईमैक्स में देखेंगे तो मजा अलग ही रहेगा। प्रोडक्शन वाइज कोई हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है ये फिल्म। फिल्म को डायरेक्ट किया है एस डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने पहले बैंग बैंग और वॉर जैसी अमेजिंग स्टाइलिश फिल्म्स बनाई हैं, और लगता है ये फिल्म उन दोनों से ज्यादा बड़ी होने वाली है। फिल्म के राइटर्स हैं श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है YRF के सपूत आदित्य चोपड़ा ने। ओवरऑल ये फिल्म एक मास एंटरटेनर होने वाली है, ये ऐसा हमारा मानना है। थिएटर्स में ये फिल्म जरूर देखिएगा। फिल्म में देशभक्ति दिखाते हुए पठान फिल्म ने प्रो इंडिया माई कंट्री का सेंटीमेंट भी दिखाया है। हमारे हिसाब से पहले दिन 30 से 40 करोड़ का बॉक्स ऑफिस लग सकता है इस फिल्म को। हमारी हाई रिकमेंडेशन है इस फिल्म को देखने के लिए। सो वेल फ्रेंड्स, ये था किंग ऑफ बॉलीवुड SRK की पठान ट्रेलर का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज कर दीजिए, और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को शाहरुख खान, दीपिका और जॉन इब्राहिम के फैंस के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।